भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के तहत 1 अक्टूबर को ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर नागपुर महानगरपालिका स्मार्ट सिटी और सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुपर 75 ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार करने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि 1 अक्टूबर की शाम 5 बजे रेशमबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में कार्यक्रम होगा। स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सरकारी पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ कलाकार, सेना से निवृत्त सैनिक, अधिकारी, क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक, साहित्यकार, सामाजिक वैद्यकीय क्षेत्र में योगदान देने वालों का सत्कार किया जाएगा। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होंगे। सुबह 7 बजे रामनगर स्थित छत्रपति शिवाजी उद्यान में सूर्य नमस्कार स्पर्धा होगी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को शहर के सभी सीनियर सिटीजन के लिए फ्री बस राइड रहेगी। पूरे दिन ज्येष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र के आधार पर बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा रहेगी। इसके अलावा बस से नागपुर दर्शन अंतर्गत अजब बंगला, दीक्षा भूमि, स्वामी विवेकानंद स्मारक, 0 माइल फ्रीडम पार्क आदि दर्शनीय स्थलों पर ले जाया जाएगा। 75 वर्ष पूर्व देश की सामाजिक परिस्थितियों में कई तरह के बंधन होने के बावजूद अंतरजातीय विवाह तथा प्रेम विवाह करने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र की जोड़ी का भी मनपा की ओर से सत्कार किया जाएगा। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए शहर के प्रत्येक जोन में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आने वाली 1 तारीख को ज्येष्ठ नागरिक दिन निमित्त विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिस माध्यम से इस शहर के वे नागरिक जिन्होंने इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, इस शहर के विकास के लिए अपना सर्वस्व दिया है, उनका सत्कार करना यह उसके पीछे का मानस है। यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए शहर के 75 नागरिक जो 75 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर चुके हैं इन नागरिकों का सत्कार किया जाएगा। और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्राथमिकता से सत्कार किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने मिलिट्री में किसी पदक को प्राप्त किया है उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाद में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात क्रीड़ा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथ ही साथ साथ सेवा के क्षेत्र में और वैद्यकीय व्यवसाय में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है उन लोगों को भी सत्कार करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा 1 तारीख को नागपुर शहर की हमारी जो बस सेवा संचालित होती है उस बस सेवा के माध्यम से महानगर पालिका की शहर बस सेवा में जो भी सीनियर सिटीजन अपना कार्ड लेकर के बैठेगा उस सीनियर सिटीजन को उस 1 अक्टूबर के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, उसे निशुल्क सेवा उस दिन प्रदान की जाएगी, इस प्रकार का निर्णय भी हमने लिया है। परिवहन विभाग के माध्यम से ही हमारे 10 जोन हैं, हमारी 10 बसें 10 जोन से अलग अलग जगह निकलेगी और यह सारी 10 बसें हमारे सीनियर सिटीजन को नागपुर शहर के जो दर्शनीय स्थल है जिसमें दीक्षा भूमि है, नागपुर शहर के बगीचे हैं, बगीचे के साथ साथ विवेकानंद स्मारक हैं, इन सारे दर्शनीय स्थलों का दर्शन कराया जाएगा और उनके स्नैक्स की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी बस के अंदर महानगर पालिका के माध्यम से की गई है। इसके अलावा छत्रपति उद्यान जो रामनगर का है वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए सुबह के समय में सूर्य नमस्कार स्पर्धा का आयोजन किया गया है, उसमें भी सीनियर सिटीजन भाग ले सकते हैं। सुरेश भट्ट सभागृह में दोपहर 3:30 बजे जो सीनियर सिटीजन कला के क्षेत्र से हैं उनके लिए गीत गायन का कार्यक्रम है, साथ ही साथ में जो मिमिक्री कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं या फैंसी ड्रेस में आ सकते हैं उनके लिए वह भी आयोजन 3:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया है।